की तरफ से जो हमारा बस टर्मिनल है आपका शिफ्ट हो गया है पाटलिपुत्रा बस स्टैंड में, और काफ़ी ज़्यादा है भीड़ यहाँ पे जो है, सारी बसें आपको मिलने वाली है। मीठापुर बस स्टैंड है वो आज पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, अचानक से जो है लोड पड़ गया है बस स्टैंड पर, जिसका यहाँ की दरभंगा जाना, सीतामढ़ी जाना, मुजफ्फरपुर जाना, तो उसकी बसें आपको वो साइड में मिलेगी जो कि ना हो जैसे राजगढ़ जाना हो, इस्लामपुर जाना हो, जो बसें हैं इस तरह से रेंगने लगी मीठापुर बस स्टैंड। ये हमारा जो है न्यू बस स्टैंड का पार्किंग एरिया, और आप देख रहे होंगे सारी बसें साइड में लग गई है। दोस्तों जैसा कि हम लोग आज पहुंच चुके हैं पटना ISBT यानी पाटलिपुत्रा जो है बस स्टैंड, आज जो है पूरी तरह से जो हमारा बस टर्मिनल है आपका शिफ्ट हो गया है पाटलिपुत्रा बस स्टैंड में, और अब हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कहां की बसें हम लोगों को कहां कहां पे मिलने वाली है। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहां पे कौन सी बसें और किस किस जगह की बसें मिलेंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले बार जब हम लोग आए थे तो उस समय क्या हुआ था कि सिर्फ आपका जो है आपका दक्षिणी बिहार की जो है बसें चल रही थी, पर अब जो है उत्तरी बिहार की बसें चलने लगी हैं, और इस तरह से आप देखिए किस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा है भीड़ के बीच में जो है ये आ चुका है बस स्टैंड, और काफ़ी ज़्यादा जो है बस स्टैंड में भीड़ भी हो चुकी है। और जैसा कि यहाँ जो भी बसें आती है जाती है उन सभी का जो है एंट्री किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा जो है पटना ISBT है उस तरह पूरी तरह से जो है शिफ्ट हो चुका है, और पूरी तरह से शिफ्ट होकर हमारा जो न्यू बस स्टैंड है वो पूर्ण रूप से जो चालू हो गया है, और जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जो है सारी बसें आपको मिलने वाली है। अगर आपको उत्तरी बिहार जाना हो या फिर दक्षिणी बिहार जाना हो, इन सभी जगह की बसें आपको यहीं से मिलेगी। और हमारा जो मीठापुर बस स्टैंड है वो आज पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, तो अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको यहीं पर मिलेगी। तो आइए हम बताते हैं कहाँ पर कौन सी बसें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जो नया बस स्टैंड है उस तरह पूरी तरह शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि अचानक से जो है लोड पड़ गया है बस स्टैंड पे, जिसके कारण जो है यात्रियों के साथ साथ यहाँ के जो कंडक्टर ड्राइवर है सबको जो है दिक्कत हो रही है। अभी टाइमिंग का जो है पूरी तरह से कोई ख्याल नहीं है, और वो जो है व्यवस्थित रूप से भी चल रही है अभी, क्योंकि पूरी तरह से सुचारू ढंग से चालू ना होने के कारण ये समस्या हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी बसें मिलेगी वो आपको दक्षिणी बिहार की बसें ये साइड में मिल जाएगी, अगर आपको उत्तरी बिहार जाना यानी कि दरभंगा जाना, सीतामढ़ी जाना, मुजफ्फरपुर जाना, तो उसकी बसें आपको वो साइड में मिलेगी जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये साइड जब भी आपको दक्षिणी बिहार जाना हो, जैसे राजगढ़ जाना हो, इस्लामपुर जाना हो, आपका जो है जहानाबाद जाना हो, गया जाना हो, तो इन सभी की बसें आपको ये साइड में ही मिलने वाली है। और अगर आपको जो है दरभंगा वगैरह जाना है तो आपको बसें ये साइड में ना मिलकर आपको उधर लगेगी। तो आइए हम उधर चलते हैं और दिखाते हैं कि उधर कौन सी बसें आपको मिलने वाली है। और इस तरह से देखिए कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने के लिए मिल गया होगा। इस तरह से जब बस स्टैंड चालू हो गई तो इस तरह से हमारी जो बसें लगी हुई है, और ये हमारा बस स्टैंड। तो इस तरह से देखिए हर जगह की बसें अब यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है मुजफ्फरपुर में जाना है तो यहाँ पे आपको अब न्यू बस स्टैंड पे ही आपको बसें मिलने वाली है, चाहे आपको मोतिहारी जाना हो, चाहे मुजफ्फरपुर जाना हो, इन सभी जगह की जो भी उत्तरी बिहार या फिर दक्षिणी बिहार, इन सभी जगह की बसें आपको यहीं मिलेगी। तो अब जो है आप मीठापुर बस स्टैंड ना जाके आप पूरी तरह से जो है निर्भर हो चुके हैं पाटलिपुत्रा बस स्टैंड पर, और इस तरह से आपको हम जो है अपडेट कर रहे हैं कि आपका पूरा जो इस तरह से ये बिहार का जो न्यू बस स्टैंड है वो चालू हो चुका है। तो हमारा जो न्यू बस स्टैंड है पूरी तरह से चालू हो चुका है, और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया है। जैसा कि हम इससे पहले जो भी ब्लॉग बनाए थे आप देखे होंगे तो उसमें आपको एक भी भीड़ नहीं देखने के लिए मिल रहा होगा, पर इस तरह से देखिए हमारे पीछे जो बसें हैं किस तरह से रेंगने लगी मीठापुर बस स्टैंड की तरह, इस तरह से जो है हमारा चालू हो गया है, और अब आप यहाँ से सभी जगह के बसें कर पाएंगे। और ये देखिए मेरे चारों तरफ से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है आपका यहाँ पे माहौल बन चुका है पूरी तरह से, जो मीठापुर का जो माहौल था वो आपको अब न्यू बस स्टैंड पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से देखिए हमारा जो है चाहे वो जय माता दी बसें हों, चाहे वो जो है बसंत बिहार हो, इन सभी तरह के जितने भी उत्तरी बिहार में बसें जो कि चलती है वो सब के सब अब यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आपको यहाँ पर जो है सारी बसें शिफ्ट हो गई, क्योंकि बीच में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोग कन्फ्यूज हो चुके थे कि भाई मीठापुर बस स्टैंड में हमें कौन सी बसें मिलेगी, या फिर आपको जो है ISBT यानी पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल में कौन सी बसें मिलेगी, इसका कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा था। अब ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है, इस तरह से जो है पार्किंग है आपका न्यू बस स्टैंड का, इसके अंदर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और
ये हमारा जो है पार्किंग एरिया है न्यू बस टर्मिनल। और ये हमारा जो है न्यू बस टर्मिनल का पार्किंग एरिया, और आप देख रहे हो कि सारी बस इस साइड में लग गई है और पूरी तरह से आज ये जो है नया बस स्टैंड चालू हो गया है। थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं पर यहाँ पे अब सारी बसें मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये ISBT का जो है अप टू डेट रहा है। तो दोस्तों आज से आज का जो है हमारा ISBT उर्फ पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल का अप टू डेट रहा। हमारा ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।